हमारे सर पे काले साए की तरह मंडरा रही है वो। तो बंद करना अपनी ये उल जलूल बातें। नीति इसलिए नहीं परेशान है कि परी जिंदा है, वो जिए या मरे। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई काफी मजेदार ट्रैक देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई परी का बिल्कुल बदला रूप सामने आता है। अब तक तो हमने देखा था कि भाई किस तरह से परी को सीधा साधा भोला भाला दिखाया गया था, लेकिन भाई अब हमारी परी वैसी बिल्कुल भी नहीं रही। अब तक हम यहाँ देख ही रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर पार्वती और राजीव जो है वो लिफ्ट में फंस जाते हैं। और ये कोई टेंशन की बात थोड़ी ना डफर बेबे, अगर ये टेंशन की बात नहीं है तो फिर क्या बात है जो ये इतनी परेशान है। मुझे टेंशन परी की नहीं है, संजू की है। संजू परी से प्यार करने लगा है। नीति पुत्र, संजू पहले भी परी से प्यार करता था, इसमें कौन सी नई बात हो गई जो तू इतनी परेशान हो रही है। बड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों की जान जो है वो बच तो जाती है, लेकिन भाई यहाँ पर इस बार हमारी पार्वती मैडम ने ठान लिया है कि वो नीति को तो नहीं छोड़ने वाली। अब तो बहुत हो गया, बहुत जीत गई नीति और बहुत हार गई परी, और इस बार हमारी पार्वती ने ठान लिया है कि वो नीति को जो है अब सही रास्ते पर ला कर रहेगी, उसे मजा चखा कर रहेगी। देखा था ना जब वो मरने वाली थी, कैसे कैसे संजू ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी उसे बचाने के लिए। हाँ नीति, संजू तो पहले से ही परी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, अब जब वो। तो आपको बता दूं कि भाई एक नया प्रोमो सामने आ रहा है जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई राजीव के बॉस का बर्थडे है, घर में बर्थडे पार्टी है, और इसी बीच यहाँ पर नीति मैडम को बार बार परी की आत्मा दिखाई दे रही है। जी हाँ, वो जिस तरफ भी देखती है, जहाँ भी जाती है, उसे सिर्फ और सिर्फ परी की आत्मा दिखाई देती है। पार्वती बन के वापिस आ गई है, ये संजू का प्यार भी वापिस आ गया। इस बारे में इतना मत सोच, अपना खून जलाने वाली बात है। एक तो ना आप सब लोग एक बात अच्छे से समझ लो, संजू मेरा था। और यहाँ पर वो काफी चीखने चिल्लाने भी लगती है, घर वालों को बताती है, समझाती है कि देखो भाई मुझे परी की आत्मा दिख रही है, लेकिन यहाँ पर घर वालों को तो कहीं भी नहीं दिख रही परी की आत्मा। और यहाँ पर घर वाले भी सोच रहे कि भाई सच में नीति के दिमागी हालत जो है वो खराब हो चुकी है, ऐसे ये सब तो प्लान आखिर और मेरा ही रहेगा। भले फिर परी वापस आए, जिंदा हो या मर जाए, पर मैं संजू को हासिल करके रहूंगी। पार्वती का ये वो चाहती है कि घर वालों को वो प्रूफ करे कि भाई नीति की दिमागी हालत जो है वो खराब है। घर वाले नीति को लाख समझाने की कोशिश भी करेंगे कि भाई परी जो है वो मर चुकी है, लेकिन भाई यहाँ पर नीति तो नहीं मानने वाली। और इसी बीच यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई नीति जो है वो परी की आत्मा को रूम में लॉक कर देगी, और इस बार वो राजीव और गुरविंदर के साथ निकल पड़ी है पार्वती के घर, ये प्रूफ करने के लिए कि भाई पार्वती ही परी है। और आने वाले एपिसोड में इसी के साथ हम देखने वाले हैं कि भाई जैसे ही यहाँ पर नीति पहुंचती है घर अंबिका के यानी पार्वती के, तो यहाँ पर वो जबरदस्ती करने लगती है पार्वती से मिलने के लिए, लेकिन भाई फिलहाल अंबिका उसे मिलने नहीं देती, क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा है कि भाई पार्वती यानी परी जो है फिलहाल के तो वो राजीव के घर है। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती कर राजीव और नीति जो है पार्वती के कमरे में घुस जाते हैं, उन्हें पार्वती नहीं मिलती, तो उन्हें शक होता है कि भाई देखो हमने तो कहा ही था कि पार्वती ही परी है। लेकिन आपको बता दें कि भाई यहाँ पर हीरोइन की तरह बिल्कुल एंट्री होने वाली है हमारी पार्वती की, और इस बार पार्वती जो है उसका काफी बदला रूप सामने आएगा, जहां पर वो नीति को धक्के मारते हुए नजर आएगी। जी हाँ, इस बार वो नीति को घर से धक्के मार कर निकालेगी, और इस बात को वो इनकार कर देगी कि भाई पार्वती ही परी है, और इस बार नीति का वार जो है पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी पार्वती मैडम जो है वो नीति को दिमागी हालत से कमजोर साबित कर देगी घर वालों के सामने।